गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलो फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इसके अलग अलग ब्लॉक्स को समझेंगे और इसके वर्किंग को भी देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले को भी देखेंगे जो कि आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई को समझने में मदद करेगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या चाहे लैपटॉप हो, वो वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एक डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत है। बट अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जितने भी आपके पास सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है, मैक्सिमम जो है जो मेन सोर्स है, चाहे आपका घर का जो बिजली आता है वो एसी पावर सप्लाई है, यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास करता है। बट अब मान लीजिए आपके फ़ोन को चार्ज करना है, मुझे 5 वोल्टेज की ज़रूरत है, 5 वोल्ट जो है ज़रूरत है। बट अगर आप देखोगे तो आपके पास जो वोल्टेज है वो है, घर में जो पावर आता है वो उसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट होता है, ठीक है, विथ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ इन फॉर इंडिया। तो लेकिन आपका फ़ोन जो है वो 5 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो 220 वोल्ट है वो एसी पावर सप्लाई है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, ठीक है। और डीसी में कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा सिर्फ, और उसे क्या करना पड़ेगा कि वो जो 220 वोल्ट है उसे कम करके 5 वोल्ट पे लाना पड़ेगा, ताकि आपका फ़ोन जो है चार्ज हो पाए। बट ये हम कैसे करते हैं, ये बताता है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है। अब इसे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर सिंपली वही लिखा है जो मैंने कहा था। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। टुडे एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नीड डीसी सप्लाई। आज के टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लगभग सभी में डीसी सप्लाई की जरूरत होती है फॉर इट्स स्मूथ ऑपरेशन, एंड दे नीड टू बी ऑपरेटेड विद इन सर्टन पावर सप्लाई। याद रखिएगा, उन्हें जो वर्क करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पावर सप्लाई की जरूरत होती है, चाहे वो 5 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, ठीक है, हमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो कि वर्क कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। बट व्हाट इज़ ए कॉमनली फाइंड आर वोल्टेज सोर्सेज ऑफ एसी, यानी कि आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है वो किसका है, एसी, चाहे वो आपके घर में हो, ठीक है, तो वो एसी पावर सप्लाई आपको घर में मिलता है। अब इन ऑर्डर टू अचीव डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्स द एसी इनपुट मस्ट फॉलो अ कन्वर्जन प्रोसेस। जो डायरेक्ट करंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्जन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक द शोन इन पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम बिलो, जो कि यहाँ पर पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है। तो आपने समझ गया कि ब्लॉक डायग्राम और पावर सप्लाई क्या बताता है, ये बताता है कि आप एसी सप्लाई जो आपके आसपास मिलता है उसे डीसी आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये है ब्लॉक डायग्राम और पावर सप्लाई का बेस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मेनली जो ब्लॉक डायग्राम और पावर सप्लाई में चार ब्लॉक होते हैं, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर। तो अब हम आगे देखते हैं, इन सभी ब्लॉक को एक एक करके समझेंगे कि इनका काम क्या है, फिर देखेंगे इसके वर्किंग को। तो अब देखिए यहाँ पर चार ब्लॉक हैं। ब्लॉक वन, इसे मैं नाम देता हूँ ब्लॉक वन, दिस इज ब्लॉक टू, दिस इज ब्लॉक थ्री एंड दिस इज ब्लॉक फोर। ये चार ब्लॉक क्या करते हैं कि एसी इनपुट अगर आपने दिया है, ठीक है, जो आपके घर में इनपुट है वो भी अगर आपने दिया है, तो उसे रिक्वायर्ड वोल्टेज पे ले आएगा और उसे डीसी आउटपुट पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है चार ब्लॉक। अब इन सभी ब्लॉक को हम एक एक करके समझते हैं। तो अब देखते हैं इन ब्लॉक्स को। सबसे पहला ब्लॉक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देखिए, यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं ना, उन सभी के बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो रेक्टिफायर हो या ट्रांसफार्मर हो, फिल्टर हो या रेगुलेटर हो। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है ट्रांसफार्मर क्या है, वो आपको 12th में ही पता होगा। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज पर कन्वर्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये एक एसी सप्लाई है जो कि बहुत हाई एम्पलीट्यूड का है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर यहाँ पर काम करेगा, और वो ये क्या करेगा
कि ये जो हाई एम्पलीट्यूड का जो हमारा पावर सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स है, जो उसे कम करेगा। यानी कि ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम द इनपुट एसी टू द रिक्वायर्ड वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक हाई एम्पलीट्यूड के जो वोल्टेज सोर्स है आपके पास, जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हो घर के बिजली से, और आप घर की बात करें तो 220 वोल्ट का इसका एम्पलीट्यूड है, तो उसे कन्वर्ट करेगा रिक्वायर्ड वोल्टेज पे जो आपको चाहिए। अगर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या जो भी है आपको चाहिए, ये उस वोल्टेज को, यानी कि इस हाई एम्पलीट्यूड के वोल्टेज को कम एम्पलीट्यूड वाले वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी। तो वैसे अगर हम इसे इमेज की तरह देखें, ये हाई एम्पलीट्यूड का है, इसे कन्वर्ट करेगा लो एम्पलीट्यूड वाले वोल्टेज में। ठीक है, जो आपको चाहिए आउटपुट में। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आपको आउटपुट में 10 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट चाहिए तो ये 24 वोल्ट में भी कन्वर्ट होगा, जैसा आप चाहोगे, जैसा आप ट्रांसफार्मर यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब दूसरा, इसके बाद क्या होता है कि ये जो आउटपुट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से होने के बाद जो आउटपुट मिला वो जाएगा रेक्टिफायर ब्रिज में। अब रेक्टिफायर ब्रिज क्या करता है, देखिएगा, इट इज यूज टू कन्वर्ट, देखिएगा, इट इज यूज टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। अभी देखिए, ये क्या था, ये एसी सप्लाई था। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नंबर्स दे देता हूँ। ये है 220 वोल्ट इनपुट, 220 वोल्ट इनपुट है और वो एसी है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में है इनपुट हम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अब इसे कन्वर्ट करेगा लो एम्पलीट्यूड वाले वोल्टेज में। मान लीजिए जो मुझे आउटपुट चाहिए वो चाहिए 12 वोल्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमें जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा 20 वोल्ट का एम्पलीट्यूड। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एसी था इनपुट ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पर भी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा एसी के फॉर्म में। अब क्या होगा कि ये जो कम एम्पलीट्यूड वाला वोल्टेज है वो जाएगा रेक्टिफायर में। अब रेक्टिफायर क्या करेगा कि ये 20 वोल्ट एसी जो है उसे कन्वर्ट कर देगा 20 वोल्ट डीसी में। देखिए, This is V, this is time. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये 20 वोल्ट एसी था, अब हमें यहाँ पर मिला, सॉरी, ये 12 वोल्ट एसी था, तो यहाँ पर मिला हमें 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, यानी कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन याद रखिएगा, जब मैंने आपको रेक्टिफायर के बारे में बताया था पुराने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो सिंपली सर्च कीजिए रेक्टिफायर बाय सोलर फिजिक्स, तो वहाँ पर दो टाइप के रेक्टिफायर मैंने बताए थे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो इमेज है वो है फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता, ये हर दूसरे सर्किट को क्या करता, छोड़ देता और हमें ऐसा आउटपुट मिलता। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब जब मैंने रेक्टिफायर डायोड के बारे में आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में, पुराने वाले वीडियो में, तो मैंने आपको उस समय रिपल फैक्टर के बारे में भी बताया था। और आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप सिंपली सर्च कीजिए रिपल फैक्टर बाय सोलर फिजिक्स, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ रिपल क्या होता है। यहाँ पर देखिए, 12 वोल्ट एसी सप्लाई हमने किया, ये कन्वर्ट हो गया 12 वोल्ट एसी पर। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है तो उस समय कुछ कुछ एसी कंपोनेंट भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रेक्टिफायर है वो पूरी तरह से एसी को डीसी में नहीं बदल पाता, तो वो जो छोटे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसी बच जाता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं रिपल। ठीक है, तो रिपल जो है यहाँ पर इम्प्योरिटी का काम करता है। ठीक है, तो रिपल यहाँ पर अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए, तो वहाँ पर एसी अगर हमें मिल जाए तो वो अच्छी बात नहीं होगी। वो मतलब ऐसा ही बात हो गया कि वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 12 वोल्ट डीसी, बट क्या है, इम्प्योर है। अब क्या है, ये इम्प्योर है, बट इम्प्योर की काम इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, तो उसे हम करते हैं फिल्टर में। अब फिल्टर नाम से आपको सुन करके आता होगा क्या है, बट हम उसे पहले देखेंगे फिल्टर के डेफिनेशन को। रेक्टिफायर के डेफिनेशन को देख लिया, ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन को देख लिया, अब फिल्टर एंड रेगुलेटर के डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या हमारे डेफिनेशन को पहले लिख लिया, तो अब फिर से देखते हैं। द रिपल इज द रिपल इन द सिग्नल डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ सम एसी कंपोनेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रेक्टिफायर जो है जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो उस समय कुछ इम्प्योरिटीज रह जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिपल। ठीक है,
are a filter circuit EC1 which removes the AC component present in the rectifier output and allows the DC component to reach the load. ठीक है, यानी कि फिल्टर क्या करता है, इसमें से इसके क्या करता है, फिल्टर मतलब क्या होता है, छान देना, ठीक है, इम्प्योरिटीज को खत्म कर देना. तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज का काम कौन कर रहा है, वहाँ पे कर रहा है एसी सिग्नल. ठीक है, तो एसी जो भी यहाँ पर बचा हुआ है, एसी कंपोनेंट, वो है यहाँ पर इम्प्योरिटी. तो इम्प्योरिटी को जो है फिल्टर करने का काम करता है फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट जो है वो बना हुआ होता है कैपेसिटर का, इंडक्टर का, ठीक है, या दोनों का इस्तेमाल करके भी बनता है. ठीक है, तो एल फिल्टर, सी फिल्टर, एल सी फिल्टर या पाई फिल्टर, ठीक है, इतने टाइप के फिल्टर होते हैं. तो इन सभी में से किसी एक फिल्टर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जैसा कि आपको चाहिए. ठीक है, आपको जैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं. तो हमें जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो कुछ कुछ ऐसा मिलेगा. दिस इज द टाइम, हमें यहाँ पर आउटपुट मिला कुछ ऐसा. ठीक है, यहाँ पर रिपल को थोड़ा सा कम किया. अब क्या होगा, इसके बाद ये जाएगा आगे रेगुलेटर में. तो अब देखते हैं रेगुलेटर क्या होता है. तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, दिखेगा आपको एम्पलीट्यूड में. ठीक है, ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बदल रहा है, बट हमें जो आउटपुट चाहिए, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि मुझे एक कॉन्स्टेंट आउटपुट चाहिए, हमें एक कॉन्स्टेंट आउटपुट चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो मुझे सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए, ना ही 12.1 वोल्ट, ना ही 11.9 वोल्ट. तो यहाँ पर इस फ्लक्चुएशन को जो कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलेटर का. तो यहाँ पर देखिए, इस डेफिनेशन को पहले हम देख लेते हैं. इट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द फिल्टर, ये सिग्नल से, ये जो है सिग्नल रिसीव करता है फिल्टर से, एंड डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द वेरिएशन ऑन द लोड. चाहे लोड में वेरिएशन है उसे ध्यान में रखते हुए ये क्या करता है, आउटपुट देता है एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज का. देखिए, दिस इज वी, दिस इज टाइम. तो वहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कॉन्स्टेंट आउटपुट. अब ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि वी डी सी आउटपुट हमें मिला कॉन्स्टेंट. ध्यान दीजिएगा, एक जो ये जो है एक आइडियल केस है. ठीक है, ऐसा आइडियल केस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट आउटपुट मिलना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, हालांकि पॉसिबल नहीं होता है, कुछ फ्लक्चुएशन होते हैं. तो यहाँ पे सबसे अच्छा रेगुलेटर वही होगा जो कम फ्लक्चुएशन दे, ना कि जीरो फ्लक्चुएशन दे. ठीक है, अब अगर आप रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हो तो उस डिवाइस को हम कहते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मुझे, मैं इस डिवाइस को कहूँगा, यानी कि इस ब्लॉक डायग्राम को कहूँगा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई. ठीक है, तो रेगुलेटर बहुत सारे डिवाइसेस में हमें ज़रूरत नहीं है कि रेगुलेटर का इस्तेमाल करें, बट रेगुलेटर का इस्तेमाल करने से एक तरह से अच्छा ही होता है. ठीक है, बट क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारे डिवाइसेस में हम जो रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये केस बनता है. अब देखते हैं इसके वर्किंग को. तो वर्किंग मैंने आपको लगभग सब बता ही दिया है, बट उन्हें हम लैंग्वेज में भी देख लेते हैं. तो लेट अस टेक अ सर्किट, हम एक सर्किट लेते हैं हुज आउटपुट वोल्टेज रेटिंग इज 12 वोल्ट, यानी कि जो हमें आउटपुट देगा वो देगा 12 वोल्ट का, एंड इनपुट वोल्टेज रेटिंग इज 220 वोल्ट, यानी कि उसका इनपुट क्या है वो है 220 वोल्ट. सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, किसमें, 220 वोल्ट एसी से 220 वोल्ट डीसी में. सॉरी, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, 220 वोल्ट एसी से 12 वोल्ट एसी में. ठीक है, देन द रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट्स द 12 वोल्ट एसी कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफार्मर इनटू 12 वोल्ट डीसी, यानी कि जो हमारा 12 वोल्ट एसी है यहाँ पे जो मिला हमें ट्रांसफार्मर के बाद, वो कन्वर्ट होगा 12 वोल्ट डीसी में, जो कि करेगा रेक्टिफायर ब्रिज. अब देन द फिल्टर सर्किट फिल्टर्स द इनपुट डीसी इनटू प्योर डीसी, सॉरी इम्प्योर डीसी इनटू प्योर डीसी, यानी कि हमें जो रेक्टिफायर के बाद जो आउटपुट मिला है 12 वोल्ट डीसी, ये इम्प्योर है क्योंकि यहाँ पर रिपल है. ठीक है, यानी कि एसी कंपोनेंट है, तो इस एसी कंपोनेंट को खराब करेगा कौन, फिल्टर. एट लास्ट रेगुलेटर कीप्स द डीसी वोल्टेज लेवल कॉन्स्टेंट एट 12 वोल्ट इवन व्हेन द वोल्टेज सप्लाई ऑफ द सर्किट चेंजेस. अब इसके बाद रेगुलेटर क्या करेगा, इसे 12 वोल्ट पे कॉन्स्टेंट रखेगा, चाहे आपका इधर का सर्किट जो है वो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करे तब भी. ठीक है, या साथ ही साथ अगर लोड आप यहाँ पर जोड़ोगे उसके बाद भी इसे जो है कॉन्स्टेंट रखने का काम कौन करता है, रेगुलेटर.
तो हम लोगों ने अब देख लिया वर्किंग को। अब लास्ट टर्म में लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो के, जो है परफॉर्मेंस पैरामीटर को। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर का सबसे पहला जो है वो है लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए जब आउटपुट आपको मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे हमें 12 वोल्ट डीसी आउटपुट मिला, ठीक है, जब हमने कोई भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया। अब मान लीजिए क्या करता हूँ मैं, पावर अडेप्टर लगाता हूँ वहाँ पर, जिसका जो है 12 वोल्ट पर वर्क करता है, ठीक है, 12 वोल्ट आउटपुट है और 12 वोल्ट का मैं एक डिवाइस लगाता हूँ। तो जो डिवाइस है वो 12 वोल्ट जो है उसे नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा 11.8। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 11.8 सीरियसली नहीं ले लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है कि उसे 11.8 मिलेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, रेगुलेटर से जो आउटपुट मिलता है वो चाहे तो उसे लोड रहे या नहीं रहे, ठीक है, आउटपुट में लोड रहे या नहीं रहे, आउटपुट हमसे 12 वोल्ट होना चाहिए, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो उसे ही हम कहते हैं लोड रेगुलेशन, ठीक है। जब हम लोड दे देते हैं आउटपुट में, यानी कि जो हम पावर, मान लीजिए लैपटॉप का जो चार्जर है उसे मैं कनेक्ट करता हूँ इस रेगुलेशन के आउटपुट से, ठीक है, अब मैं लैपटॉप को जोड़ देता हूँ उससे, अब चार्जर से, तो अब क्या होगा, वो अडैप्टर 12 वोल्ट आउटपुट देगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो 12 वोल्ट नहीं मिलेगा जब हम उसे लोड देंगे तब। और जब लोड नहीं रहेगा तब वो 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, मान लीजिए मैंने प्लग हटा दिया, ठीक है, तब उसका जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट है, लेकिन जब हम 12 वोल्ट आउटपुट उसका कंज्यूम करेंगे तो उस समय वो आउटपुट 12 वोल्ट नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैंने फिर से कहा ये आइडियल केस नहीं है, अगर आइडियल केस होता रेगुलेटर अगर पूरा पूरी आइडियल होगा तब ऐसा नहीं होगा, तभी 12 वोल्ट ही होगा। उसका फॉर्मूला होता है लोड रेगुलेशन का, VNL, N मतलब नो, L मतलब लोड, यानी कि वोल्टेज जब लोड नहीं है, आउटपुट का वोल्टेज जब लोड नहीं है, और ये है VFL मतलब कि जब फुल लोड है, ठीक है, तब उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम लोड रेगुलेशन। अब मान लीजिए मैंने वो जो एग्जांपल लिया उसे ये देखते हैं, जब नो लोड है, जब लोड नहीं है तब क्या है हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और जब लोड जोड़ दे रहे हैं तब क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 11.8 का, यानी कि 0.2 जो है उस समय हमारा क्या होगा, लोड रेगुलेशन का वैल्यू। अब परसेंटेज में देखेंगे तो लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है परसेंटेज में VNL मतलब कि वोल्टेज ऑफ नो लोड माइनस वोल्टेज ऑफ फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल जो फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पर पुट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लोड रेगुलेशन का ये, अच्छा याद रखिएगा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज करता है, फ्लक्चुएट करता है। अब ये फ्लक्चुएशन जो है टेम्परेचर के कारण भी होता है बहुत बार। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो है लाइन रेगुलेशन को सोर्स रेगुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, सोर्स रेगुलेशन आप वहाँ पर समझ लीजिएगा। तो सोर्स रेगुलेशन को जब आप समझेंगे तो समझिएगा, यहाँ पे इनपुट दिया मैंने 220 वोल्ट एसी, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटर में हमें वोल्टेज मिल रहा है वो जरूरी तो नहीं कि 12 वोल्ट ही मिले, मान लीजिए ये जो 220 वोल्ट है यही फ्लक्चुएट कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है, ठीक है। या इस सर्किट के द्वारा कहीं भी फिल्टर या ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर ब्रिज के द्वारा कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप अगर हो रहा है तब उस समय क्या कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे केस में जब ये फ्लक्चुएट होता है, सर्किट फ्लक्चुएट होता है, उन केस में जो हमारा वैल्यू होता है आउटपुट का वो बदलता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सोर्स रेगुलेटर रेगुलेशन या लाइन रेगुलेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है VLH माइनस VLL, ठीक है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब के साथ।